let us discuss ke e-commerce aur e-business mein basically farak kya hai. To sabse pehle ye samjhe ki ye dono jo terminologies hain, electronic commerce and electronic business, dekhne mein bilkul similar lagti hain, yani it look good ya it looks similar when we hear it. Jab hum sunte hain to hame lagta hai hum ek hi baat kar rahe hain, yani hum dono ko interchange kar sakte hain. Matlab jahan maine e-business bolna hai wahan main e-commerce bhi bol sakta hu, aur jahan main e-commerce bol raha hu wahan main e-business bhi bol sakta hu. This is a very big confusion. Matlab it is a wrong thing. Ye dono interchangeable cheeze nahi hain. These two things are totally different. सुनने में लगती हैं कि सेम है, यानी सुनने में हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, हालांकि ऐसा नहीं है. दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर नॉट इंटरचेंजेबल. रीजन, जो ई बिजनेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, इट इज डीलिंग विद अ बिगर चंक. ये एक सुपर सेट है. वो पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डील करते हैं, ये उन सारी की सारी चीजों को एड्रेस करता है. उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आ सकता है, कस्टमर कम्युनिकेशन भी आ सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप भी आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के जितने प्रोसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे मैनेज करने हैं, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं. मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, यूं समझे इट इज़ अ बिगर केक. ये एक एक सुपर सेट है. और जो ई कॉमर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इट इज़ अ स्मॉलर केक पीस. ये उस बड़े केक का एक छोटा पीस है, यानी इट इज जस्ट लाइक अ सबसेट फ्रॉम द फंक्शनैलिटी व्यू पॉइंट. नाउ फंक्शनैलिटी व्यू पॉइंट से मेरी मुराद ये है कि व्हेन एवर वी आर सेइंग, अब ये चीज आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझनी है कि व्हेन आई एम सेइंग कि मैं ई बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो इट कवर ई कॉमर्स, क्योंकि दिस इज अ बिगर चंक. इफ आई एम रेफरिंग टू द बिगर केक, आई एम इंक्लूडिंग द स्मॉलर केक. लेकिन जिस वक्त मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट कवरिंग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. मैं ई बिजनेस को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि जो ई कॉमर्स है, इट इज अ स्मॉलर चंक, इट इज स्पेसिफिक थिंग. सो व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इट ट्रांसलेट टू कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंडर एक्टिविटीज कर रहा हूं, तो वो एक्टिविटीज ई कॉमर्स में भी इंक्लूड हो सकती हैं. तो मुझे ई कॉमर्स के लिए वो एक्टिविटीज अलग से बताने की कतअन जरूरत नहीं है. एंड वाइस वर्सा, जब मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूं, या उन एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं जो ई कॉमर्स के अंडर फॉल करती हैं, तो इसका मतलब कतअन ये नहीं है कि ई बिजनेस में वो सारी भी यूटिलाइज हो रही होंगी. इसका मतलब कतअन ये नहीं है. इसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेसेस हैं, वो आजकल मार्केटिंग के लिए ईमेल यूज करते हैं. कभी न्यूज लेटर को सेंड कर दिया, कभी कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर दी, कभी कोई सक्सेस स्टोरी सेंड कर दी, या कभी कोई मार्केटिंग का जो स्टफ है वो सेंड कर दिया. तो अब यहां पे देखें कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू पेमेंट. मैं ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कतन जिक्र नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक्स कंपनी है, उसके ये वाई प्रोडक्ट है मेरे ईमेल बॉक्स में, वो ब्रोशर की फॉर्म में आ गए या सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में आ गए, एंड सो ऑन. सो हेयर नाउ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एज एन एनेबलर. तो दिस इज ई कॉमर्स. लेकिन जो ई कॉमर्स वाली चीजें हैं, उसके अंदर भी हम ईमेल यूज करते हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल अलीबाबा है या अमेजॉन है, वो भी अपने कस्टमर से बातचीत करने के लिए ईमेल ही यूज करते हैं. तो व्हाट इज ईमेल? ईमेल इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. सो अब जिस तरह ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अब आप नाउ जस्ट लुक एट द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यानी जो ई बिजनेस सिस्टम्स हैं और जो ई कॉमर्स सिस्टम है, उनके एरो देखें टॉप पे, दोनों ऑपोजिट साइड के ऊपर है. ऑपोजिट साइड से मुराद ये है कि दीज आर डीलिंग विद टू टोटली डिफरेंट थिंग्स. यानी लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एक सप्लायर है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक कस्टमर है. लेकिन जो चीज ई बिजनेस को और ई कॉमर्स को आपस में बाइंड कर रही है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर.
वो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू सप्लायर और जो कस्टमर है, दीज गाइज आर टॉकिंग टू ईच अदर. तो आप ये समझें कि वो चीज जो दोनों को जेल टुगेदर कर रही है, दोनों कौन है, ई बिजनेस सिस्टम है और ई कॉमर्स सिस्टम है, दोनों में जो चीज कॉमन है वो बेसिकली आप समझें एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप ये समझे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है, कोई वेब पोर्टल है जिसके थ्रू दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं. अब दोनों कौन है, हमें ये लग रहा है कि दोनों, एक सिस्टम ऑफलाइन है जो कि ई बिजनेस है और एक सिस्टम ऑनलाइन है यानी एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स है. हालांकि ऐसा नहीं है, दीज टू आर सप्लायर एंड कस्टमर. क्योंकि चाहे बिजनेस ऑनलाइन हो या बिजनेस ऑफलाइन हो, सप्लायर ने कोई चीज सप्लाई करनी है यानी कोई वेंडर है, और जो कस्टमर है उसने कोई चीज परचेज करनी है जो कंज्यूमर है. तो अनेबलर के तौर पर जो चीज काम करती है दोनों के अंदर, दैट अनेबलर थिंग इज एक्चुअली द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी. अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज बीच में से पुल कर दूं ना, तो दोनों सिस्टम को मैं सेपरेटली ट्रीट कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकते, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है. तो जो चीज दोनों को बाइंड कर रही है, यानी आप ये समझें जो छोटा केक है, बड़े केक के अंदर जो छोटा पीस है, जो वो चीज जो छोटे केक पीस को बड़े केक पीस का पार्ट बना रही है, हमारे केस में दैट इज द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंटरनेट है जो दोनों को आपस में बाइंड कर रही है.